तो नाम चयनित करके जो ट्रेनिंग के लिए स्पेशल ट्रेनिंग के लिए भेजे गए थे एग्रीकल्चर में, सर क्या कहना चाहेंगे? आज वो वापस लौटे हैं, किस लिए भेजे गए थे? जी, हमारे दोनों ऑफिशियल्स ट्रेनिंग के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट हैदराबाद में गए थे। ऐसा है कि कठुआ डिस्ट्रिक्ट में पहली पेस्टिसाइड लैब खुल रही है, जिसका के 3 करोड़ के आसपास का बजट है, और उसके लिए हमने जो हमारे बेस्ट ऑफिशियल्स थे उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा था। ये 2 महीने की ट्रेनिंग करके आए हैं, जिसमें अब कठुआ डिस्ट्रिक्ट के जो पहले हम सैंपल्स लेते थे थ्रू इन्फोर्समेंट एजेंसी, उनको जम्मू या बाहर आउटसाइड J&K भेजना पड़ता था एनालिसिस के लिए, जिसमें हम एक्टिव इंग्रेडिएंट जैसा कि इन्होंने बताया वो चेक करते थे। ये पेस्टिसाइड खुलने के बाद और जो इन्होंने ट्रेनिंग ली है, इसके बाद यही लोग यहाँ एनालिस्ट का काम करेंगे, और जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट में हम सैंपलिंग करते हैं उनका एनालिसिस भी यहाँ होगा। इससे कठुआ की मार्केट में जो स्पूरियस इंसेक्टिसाइड कुछ लोगों द्वारा बेचे जाते हैं या वो गुणवत्ता भरे नहीं होते, तो उनका पता यही पेस्टिसाइड में ही, पेस्टिसाइड लेबोरेटरी जो है यहाँ खुल रही है उसी में चलेगा, और ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा किसानों के लिए। इसी बाबत और इसी लिए इनकी ट्रेनिंग की गई थी, जो ये सक्सेसफुली करके आए हैं। आई विश देम बेस्ट ऑफ लक, एंड जैसे ही लेबोरेटरी हमारी एस्टेब्लिश होती है तो ये दोनों लोग वहाँ कार्य करेंगे और भी लोगों को इसकी जानकारी दी जाएगी और ट्रेनिंग दी जाएगी।